हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्वादिष्ट छोले मसाले की सब्जी, जिसे जो कोई भी फर्स्ट बार भी बना रहा होगा तो आसानी से बना लेगा। चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। हमें इसके लिए चाहिए हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर, छोले जो हमने पहले से ही उबाल के रख रखे हैं, हरा धनिया, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, लाल मिर्च, नमक। और छौंकन के लिए हमने लिए हैं 2 तेज पत्ते, लौंग, काली मिर्च, जीरा, गरम मसाला, लहसुन और हींग। अब सब्जी को बनाने के लिए कढ़ाई में तेल डाल कर लेंगे। तेल को गरम होने के लिए रखेंगे। हमारा तेल गरम हो गया है। चार पांच काली मिर्च, 4 लौंग, 2 तेज पत्ते और 4-5 लहसुन की कलियां हमने पहले ही अब इसमें हमने प्याज डाल दिए है। हरी मिर्च डालेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज और हरी मिर्च को थोड़ा ब्राउन होने तक पकाएंगे। अब इसमें 2 चम्मच लाल मिर्च, 3 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा गरम पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को अच्छी तरह पकाएंगे। इसे तब तक पकाना है जब तक ये तेल ना छोड़ दे। अब देखिए, हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। ये इस मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, ये देखिए। इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे पकाएंगे अच्छे से। इसे तब तक पकाना है जब तक ये खुद से तेल ना छोड़ने लग जाए। देखिए, हमारे टमाटर भी अब अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए कैसे मसाले में ऑयल छोड़ दिया है अलग से। अब हमारा मसाला अच्छे से पक चुका है। अब हम इसमें छोले डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारे छोले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसे 2-3 मिनट तक छोलों को पकाएंगे बिना पानी डाले। इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे छोलों को 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें गरम पानी डालेंगे। पानी आप अपने अनुसार कर सकते हैं, जैसे आपको कितनी पतली और सूखी चाहिए सब्जी उसके हिसाब से। और अब पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे अच्छे से पकने देंगे। हमारी
हमारी सब्जी अब अच्छे से पक चुकी है। अब ये बनकर तैयार है। अब इसमें हम हरा धनिया जो हमने पहले से ही काट के रख रखा है वो डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम सब्जी को एक बर्तन में निकाल देंगे। ये देखिए हमारी सब्जी पूरी तरीके से रेडी है। अब आप इसे खाने के लिए सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।